सारे जवानी तक वो हमारे बीच में रहे, ऐसे पुण्य आत्मा जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हम सब ने उनके संस्कारों को, उनके विचारों को और उनकी जो मंदिर के प्रति आस्था थी, माता जी के प्रति आस्था थी, भजनों के प्रति जो आस्था थी, उन सब विचारों को हम सबको ग्रहण करना पड़ेगा। आज उनका स्नेह और उनका प्रेम ही है जो छोटी सी सूचना पर उनकी पुण्यतिथि, आज हमारे मन में ऐसा विचार आया कि एक हमारे बीच के ऐसे योद्धा थे जो निरंतर हम सब युवाओं को मार्गदर्शन करते थे। उनका चरित्र ऐसा था कि सारे आज के नौजवान बच्चों को उनके चरित्र के बारे में जानकारी कैसी हो, वो हमारी यादों में, हमारे विचारों में हमेशा कैसे जीवित रहे। इसलिए हम उनकी यह पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं। आज साथियों 2016 में 22 फरवरी को ही एक दुर्घटना में, कालकल्पित घटना के माध्यम से वो स्वर्गलोक सिधार चुके थे, हम सबको छोड़ चुके थे। परंतु रितेश देशमुख ऐसे शख्स है जो आज भी हम सबके दिलों में उनकी यादों के माध्यम से, उनके जो किए हुए कर्मों के माध्यम से वो हमारे बीच में सदैव रहते हैं, सदैव जीवित रहते हैं और हम उनको भूलना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम निरंतर उनके लिए, उनकी यादों के माध्यम से हम ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करते रहते हैं। और रितेश भाई मरकर भी हमारे बीच में अमर है, वो स्वर्ग में उनको अच्छा स्थान मिले। माँ भवानी से, माँ जगत जननी से, सभी देवी और देवताओं से हम कामना करते हैं कि वो जहाँ है वहाँ सकुशल रहे, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे गांव में, हमारे युवाओं को और हम सबको सदैव मिलता रहे। उनके याद में जितना कुछ कहा जाए उतना सब कुछ कम है। आज हम जो यहाँ सब लोग एकत्रित होकर बैठे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं उनका बहुत स्नेह है। इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति हमारा स्नेह ऐसा ही बना रहे और उनका मार्गदर्शन, स्नेह, आशीर्वाद हम पर सब बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको समर्पित करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि लाइन से एक एक सभी लोग आएंगे और यहाँ पुष्पांजलि के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी लोग लाइन से कतारबद्ध होकर आएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे।